मैं यूएस में माइक्रोसॉफ्ट रोबोटिक्स के लिए काम कर रहा था और मोदी जी ने आके बुलाया कि आ जाओ स्टार्टअप इंडिया करो। तो मैसूर आके मैं 3 साल पहले हॉलो सूट नाम का एक कंपनी खोला। उसमें क्या है, हम पूरा बॉडी मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। ये जो है ये हमारा क्लोथिंग से पूरा बॉडी को ट्रैक कर सकता है और उस क्लोथिंग का ट्रैकिंग को एक रोबोट में डाल सकता है। जो भी हम कर रहे हैं रोबोट कर देगा। तो इसका एप्लीकेशन डिफेंस में बहुत है। मान लो हमारा कितने सारे सोल्जर्स अभी शहीद हो रहे हैं, अब इससे इसके यूज़ करने से हम टेररिस्ट को रोबोट बेच के मार सकते हैं। या हम यानी ये हमारा एक फ्यूचर का सैनिक है जिसे हाँ। हम फील्ड में भेज सकते हैं और सैनिक के स्थान पर ये रोबोट जाएगा हाँ। ये किसी टेररिस्ट का किसी घुसपैठिए के बारे में ये हमें जानकारी देगा हाँ। और इसके बाद ये उसको डिटेक्ट करके उसको शूट भी कर सकेगा हाँ हाँ। जो हाँ। भी हम करना चाहते हैं रिमोटली कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो भी रोबोट कर रहा है हमको दिखाई देगा और हम जो भी कर रहे हैं वो रोबोट करेगा हाँ। तो बाई डायरेक्शनल हो गया। और इसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, ये अभी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए छोटा दिखा रहे हैं, बट ऐसा बहुत बड़ा भी बना रहे हैं। कभी हम $10 million चैलेंज का भी अभी सेमीफाइनल्स के लिए सेलेक्ट हो गए हैं। अगर ऐसा बड़ा वाला बना के दिखा दिया तो हम फाइनल्स में जीत भी सकते हैं। तो द वर्ल्ड वाइड चैलेंज में हम सेलेक्ट भी हो गए हैं मैसूर से इससे हाँ। तो हमारा कॉम्पिटिटर्स है स्टैनफोर्ड बर्कली है सब। और इसका उपयोग एजुकेशन सेक्टर में भी है। हमारा ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह है, स्पोर्ट्स में भी ये बहुत काम आता है। गैरी कस्टन भी इसको यूज कर रहे हैं। कितने देशों के साथ अब तक आपका टाई अप हो गया या कितने लोग आपकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं? अभी ऑलरेडी साउथ कोरिया का यूज कर रहे हैं, रशिया में यूज कर रहे हैं, जापान में यूज कर रहे हैं, यूके में, यूएस में, कनाडा में, इसराइल में, सभी जगह इधर से अभी एक्सपोर्ट हो रहा है। जैसे ये आपका सामने सैनिक है, ये जैसे अपने हाँ। हैंड्स को मूव करेगा, जैसे जो भी करेगा उस तरह से ये रोबोट भी अपना हाँ। एक्शन कंटिन्यू करता रहेगा हाँ। और वो लर्न भी करेगा। अगर एक बार सिखा दिया कि मान लो ऐसा जाके इसका ओपन करना है या ऐसा जाके ट्रिगर पकड़ना है, एक बार सिखा दिया तो वो आर्टिफिशियल जनरल रोबोटिक इंटेलिजेंस के जरिए से वो एक्चुअली लर्न कर जाएगा और नेक्स्ट टाइम वो खुद ही कर पाएगा। ये भारत कल्याणी ग्रुप से भी क्या आप कोई टाई अप अपना कर रहे हैं इसमें? हाँ हाँ, कल्याणी ग्रुप इज सपोर्टिंग अस इन ऑल दिस एफर्ट्स और इसलिए बूथ भी उन्होंने ही हमें जगह दिया है और वी विल बी वर्किंग वेरी क्लोजली विद देम एंड टेकिंग दिस टू ग्रेटर हाइट्स। इसका वर्चुअल एप्लीकेशन और क्या होता है? हाँ, वर्चुअल रियलिटी का दिखा देते हैं अभी। सोल्जर्स का ट्रेनिंग के लिए क्या होता है, बहुत सारे सोल्जर्स अभी ट्रेनिंग में जाते हैं। ट्रेनिंग का कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, हमें अगर रियली करना है, समझो अभी टेररिस्ट के अगेंस्ट कैसा हॉस्टेज रेस्क्यू करना है, उसका ट्रेनिंग एंड सिमुलेशन में बहुत टाइम लग जाता है। और समझो हमें अभी S-400 आ रहा है, तो S-400 कैसे ऑपरेट करते हैं, उसका ट्रेनिंग के लिए कॉस्ट बहुत होता है। अभी हम इससे इसके सोचने थोड़ा ही सो इसके अभी हम ये दिखा रहे हैं कि मान लो एक टेररिस्ट हॉस्टेज को पकड़ लिया है, तो आपको जाके उस टेररिस्ट से फाइट करके हॉस्टेज को निकालना है। अभी क्या है, जैसे ही आप मूव कर रहे हो रियल वर्ल्ड में, वर्चुअल वर्ल्ड में आपका पूरा बॉडी मूव होगा। तो जैसे हम पबजी खेलते हैं वही से हमारा सोल्जर्स को अभी उसका पूरा बॉडी एक्शन क्या हो रहा है, कदर किधर देख रहे हैं, आप देख सकते हैं। वो ट्रिगर बटन दबाएगा तो उधर होगा, आपका हाथ दिखाओ तो हाथ पूरा हिलाओ तो जैसे ये एनिमी सोल्जर्स आ रहे हैं वो अभी शूटिंग का दिखा रहे हैं और वो बॉम्ब भी पकड़ सकता है, ग्रेनेड भी पकड़ के ग्रेनेड भी डाल सकता है। जैसे वो करे गेम जैसा हो गया, लेकिन आपका पूरा बॉडी का ट्रैक हो रहा है। सो आपका रेस्पॉन्स टाइम हम एक्चुअली एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं, आपको डिफरेंट सिचुएशंस में डाल सकते हैं और मल्टीपल प्लेयर्स एक साथ जाके खेल के एनिमी फॉर्मेशंस को डिफीट करना कैसे का, और मल्टीपल फोर्सेस
लाइक एयरफोर्स, नेवी और आर्मी सबका कोऑर्डिनेशन कैसे करना है वो भी हम इसमें दिखा सकते हैं, क्योंकि एंटी ड्रोन ऑपरेशंस कैसे करते हैं वो सब अभी इसमें दिखा सकते हैं। इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी एक बहुत अच्छा यूज हो सकता है, बहुत ही अच्छा यूज हो सकता है, क्योंकि वी कैन इट ट्रैक्स द एंटायर बॉडी, यूनिवर्सल सिमुलेटर हो गया और यूनिवर्सल मैनिपुलेटर भी हो गया, क्योंकि अगर आपका पूरा बॉडी का ट्रैक हो गया तो जो भी हम काम करते हैं हमारा बॉडी से करते हैं, सो हमारा बॉडी का पूरा ट्रैक हो गया और हम जो भी देख रहे हैं वो वीआर में अभी चेंज कर देंगे, तो फुल फ्लेज्ड ट्रेनिंग टूल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।